आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको 2 दिन पहले जो डांट लगाई थी उसके अनुसार स्टेट बैंक ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल 2019 से लेकर के 2024 तक की डिटेल को इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। 2019 से लेकर के 2024 के बीच में कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे गए थे और जिसमें से जो है 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इन कैश करवा लिया गया था, रिडीम करवा लिया गया था। और इस तरह से जो है इन 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत के चुनाव आयोग के पास आ चुका है। इसके बाद जो न्यूज आई है वो हरियाणा से है। हरियाणा के नए जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, आज इन्होंने चंडीगढ़ में विधानसभा में जो है अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है। पूरे हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं जिसमें से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 30 सीट कांग्रेस के पास है और 10 सीट जेजेपी के पास है जिसके नेता दुष्यंत चौटाला हैं, और 6 सीट निर्दलियों के पास है। 1-2 सीटें और भी हैं तो उन छोटी पार्टियों के हैं, और इनमें से जो है 46 सीट चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को आज बहुमत सिद्ध करने के लिए, तो 41 सीट भाजपा के पास पहले से ही थी और 6 निर्दलीय विधायक इनसे आकर के मिल गए, और इसके अनुसार अब इनके पास बहुमत का आंकड़ा जो है 47 का हो गया है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक दिन के अंदर अपना मुख्यमंत्री चेंज किया तो दूसरे दिन इन्होंने हरियाणा के विधानसभा में जो कि चंडीगढ़ में स्थित है वहां पर इन्होंने इसका बहुमत भी पास कर लिया। इसके बाद जो है रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि दुनिया के बहुत बड़े कूटनीतिक राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, इन्होंने वेस्टर्न फोर्सेस यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इनकी जो एलीज है, जो इनके और सहयोगी देश हैं, उनको उन्होंने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के मामले में जो है रसिया जो है परमाणु बम का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और यह इनकी टिप्पणी आज इसलिए भी आई है कि रसिया में 2 दिन बाद जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं जिसमें 6 साल के लिए फिर से व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति फिर से बन जाएंगे। इस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने केवल एक बात बोली कि यूक्रेन के मामले में रसिया तैयार है परमाणु बम का प्रयोग करने के लिए यूक्रेन के ऊपर, जो भी देश उसे यूक्रेन में कब्जा करने से उसको रोकेगा। साथ ही साथ इन्होंने एक तीर से 2 निशाने भी साधे। पहला निशाना इन्होंने ये साधा कि इन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी कि अगर आप इधर आते हैं तो हम जो है परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन और इसराइल और हमास के झगड़े में, उनके युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। और दूसरा निशाना इन्होंने ये लगाया कि 2 दिन के बाद चुनाव होने हैं रसिया में, तो वोटर जो है पूरा का पूरा व्लादिमीर पुतिन की तरफ ही आएगा। और इसके साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लोकसभा 2024 के इलेक्शन के लिए जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, ये 2 तो मेन पार्टियां हैं। इसके अलावा 4 और छोटी छोटी पार्टियां हैं और कुल लोकसभा की सीटें 40 हैं। अब जब 40 सीटें हैं, 6 पार्टियों में उसको बांटना है, बंटवारा तो हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके जो नेता है रामविलास पासवान हुआ करते थे, अब उस पार्टी के 2 भाग हो गए हैं। एक भाग जो है उनके बेटे चिराग पासवान चला रहे हैं और उसका दूसरा भाग जो है उनके छोटे भाई चला रहे हैं पशुपति पारस। अब ये दोनों लोग अड़े हुए हैं कि हाजीपुर लोकसभा की सीट उनको मिलना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा टेंशन का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में है किस तरह से लोकसभा की सीट की शेयरिंग किया जाए और इसको बांटा जाए। और जिसके बाद जो है आज रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जो विदर्भ और मुंबई के बीच में खेला जा रहा है, आज चौथा दिन था, आज चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक जो है विदर्भ ने 248 रन बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पर, और इससे पहले मुंबई ने अपनी पारी में अपनी पहली पारी में जो है 222 रन बनाए थे, जवाब में विदर्भ की टीम 105 रन पर ऑल आउट हो गई थी। फिर मुंबई की जो दूसरी पारी आई उसमें उन्होंने 418 रन बनाए जिसमें मुशीर खान ने जो है शतक जमाया और अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर ने भी हाफ सेंचुरी बनाई, और इस तरह से कुल जो है इनको 538 रनों का लक्ष्य दिया जीतने के लिए। अब इन 538 रन का लक्ष्य का पीछा करते समय चौथे दिन की समाप्ति पर जो है विदर्भ की टीम 248 रन बना सके, यानी कि कल पांचवें और आखिरी दिन इन्हें 290 रनों की और जरूरत होगी और इनके पास 5 विकेट बचे हुए हैं।